वहीं मध्य प्रदेश के भिंड में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण और बिक्री की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बता दें, रौन थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मेहरा खुर्द गांव में एक व्यक्ति अवैध शराब की पेटियां रखा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही उसके पास से 70 पेटी शराब भी जब्त की। भिंड से ज्ञान सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। पुलिस टीम द्वारा ग्राम मेहरा में जाकर दबिश दी गई, जिसमें दलवीर सिंह चौहान आरोपी जो अपने कुएं पे था, तो वहाँ पे पुलिस को देख के भागा, जिसे पकड़कर पूछताछ की, जो उसके कुएं पर बने हुए कमरे से 70 पेटी अवैध शराब, जिसमें से करीब जो कि 2,80,000 रुपये कीमती 630 लीटर अवैध शराब मौके पर पाई गई, जिसके संबंध में आरोपी से लाइसेंस पूछा गया, जो उसके द्वारा कोई लाइसेंस नहीं बताया गया। तब उक्त आरोपी को थाने लेकर आए, अवैध शराब को कब्जे पुलिस लिया गया, वह थाने लेके आए, वह उस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।